वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का कॉकटेल का नाम है दिल चाहता है। 2001 में रिलीज हुआ ये फिल्म शायद आपको याद है, जहां पर फ्रेंडशिप को दिखाया गया था। आज का जो कॉकटेल है वो फ्रेंडशिप को डेडिकेट करता है। जी हाँ, मैंने ये कॉकटेल को बनाया फ्रेंडशिप को ध्यान में रखते हुए। जिंदगी हम लोग बहुत वंडरफुल टाइम स्पेंड किया है फ्रेंड्स के साथ, जो आजकल बहुत मिस करता हूँ। शायद मेरे साथ आपका भी एक ही हाल है, आप भी मिस करते होंगे। चलिए आज एक कॉकटेल बनाते हैं और वो सारा गम जो है ना उसको भुला देते हैं। सो दिल चाहता है कॉकटेल को बनाने के लिए आपको चाहिए एक प्री चिल्ड मार्टिनी ग्लास। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ही एक मार्टिनी ग्लास में थोड़ा सा आइस देके साइड में रख दूंगा। इसको ठंडा होने दूंगा, इस ग्लास को ठंडा होने दूंगा। तो मैं साइड कर दिया ग्लास को, अभी कॉकटेल को बनाते हैं। आपको पहले चाहिए एक मिक्सिंग जग, जहां पर हम लोग एक एक करके इंग्रेडिएंट्स देंगे। तो उससे पहले एक बार देख लीजिए ये स्क्रीन में सारा का सारा इंग्रेडिएंट्स क्या क्या आपको लगने वाला है कॉकटेल में। तो मिक्सिंग ग्लास में हम लोग पहले डालेंगे स्टार एनिस को। आपने देखा होगा स्टार एनिस ऐसा शक्ल में आता है, स्टार जैसा उसका शक्ल होता है, ये देखिए। तो आज हम लोग ये स्टार एनिस दो दे देंगे अंदर में। तो ये मैं दो ले लिया और अंदर में डाल दिया, दो ही काफी है। एक्चुअली स्टार एनिस जो है ना वो सौंफ जैसा टेस्ट करता है, सौंफ आपने खाया होगा, सौंफ जैसा टेस्ट करता है या फिनिल जैसा टेस्ट करता है। तो इसको हम लोग करेंगे क्या मडल। तो ये मैं ऑलमोस्ट मॉडल कर दिया है, थोड़ा टुकड़ा कर चुका हूँ और वंडरफुल नोज आ रहा है यहाँ पर फनेल का। अभी इसमें हम लोग क्या डालेंगे, डालेंगे पाइनएप्पल चंक्स। पाइनएप्पल चंक्स मैंने काट के रखा था छोटा छोटा करके, तो हम लोग अराउंड 4 to 5 दे देंगे, 5 चंक्स काफी हैं। और इसको हम लोग फिर से मॉडल करेंगे तो पाइनएप्पल का जो जूस है वो निकल के आ जाएगा बाहर। तो चलिए इसको मॉडल करते हैं। कितना मस्त एक सुगंध आ रहा है, जब बनाइएगा तब मुझे याद कीजिएगा। फैंटास्टिक एक रेसिपी है। अब इसमें डालेंगे लॉट्स ऑफ आइस, आइस भरपूर चाहिए। जब भी कोई कॉकटेल बनाइएगा ना, लॉट ऑफ आइस जरूर दीजिएगा। तो मैं लॉट्स ऑफ आइस देता हूं इसमें, ये रहा, और थोड़ा ये लॉट्स ऑफ आइस मैंने दे दिया। अब इसमें ऐड करेंगे लाइम को। लाइम जब इसमें ऐड होगा तो इसका जो स्वीटनेस है उसको थोड़ा सा कट करेगा और कॉकटेल को परफेक्टली बैलेंस बनाएगा। तो मैंने लाइम वेजेस बना के रखा हूं, सिर्फ 2 लाइम वेजेस हम लोगों को चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वीज करके अंदर में डाल दूंगा। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पाइनएप्पल जूस 60 ml। पाइनएप्पल जूस अगर फ्रेश होता है तो बहुत अच्छा होगा, मेरे पास नहीं है, मैंने टेट्रा पैक पाइनएप्पल जूस यूज कर रहा हूं, मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। तो 60 ml इसमें डाल दीजिए। क्या प्लेन बन रहा है, मतलब क्या बताएं। अभी इसमें फाइनल ट्विस्ट करेंगे एक सिरप से, जिसको कहा जाता है एनिस सिरप, जो फेनल का सिरप होता है ना, जैसे सौंफ का जो सिरप होता है वो। ये आपको बहुत अच्छा अच्छा ब्रांड है जहां पर आपको मिल जाएगा, जैसे मोनिन है, मानामा है, ऐसे बहुत सारा ब्रांड है। तो उसी ब्रांड का कोई भी एनिस सिरप ले लीजिए। इसमें हम लोग देंगे 15 ml एनिस सिरप। तो मैं इस एनिस सिरप को डालने के लिए बार स्पून का यूज करूंगा। बार स्पून जो है उसमें 5 ml आता है टॉप में, तो मैं 5 ml दूंगा पहले, 5 and then 5 15 ml एनिस सिरप। अब फाइनल चीज जो है विस्की। इस कॉकटेल को हम लोग विस्की से बनाएंगे। दोस्ती यारी में विस्की जो है ना ये सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखता है, वोडका वोडका नहीं है। तो मैंने इसीलिए ब्लैक लेबल को चुना, जिसको मैं दूंगा यहाँ पर 45 ml। 60 नहीं देंगे क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये कॉकटेल नहीं चाहिए मुझे, तो इसीलिए 45 ml। तो चलिए 45 ml पोर करते हैं। तो
तो बस आपका मिक्सचर कंप्लीटली रेडी है, अभी शेक करना है कॉकटेल को विगोरियसली, यू नो। तो मैं करता हूं उसको शेक। मुझे लगता है कि हो चुका है, तो बस इसको खोल देते हैं। अब इसको हम लोग डबल स्ट्रेन करेंगे वो मार्टिनी ग्लास में जिसको मैंने चिल करने के लिए रख दिया था। तो मार्टिनी ग्लास चिल हो चुका है, मैं थोड़ा सा आहिस्ता उसको फेंक दिया। अब ये बन गया आपका मार्टिनी ग्लास, जहां पर इसको डबल स्ट्रेन करेंगे हम लोग। तो डबल स्ट्रेन क्या है, मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि स्टार एनिस का छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वो आना नहीं चाहिए कॉकटेल में, तो इसीलिए डबल स्टेन, मतलब ऑरिक स्टेनर का यूज। ये छोटा छोटा पार्टिकल आपको फिर भी दिखता होगा स्टार एनिस का, जो आपको अल्टीमेटली अलग सा एक टेस्ट देगा कॉकटेल में। जब आप पीजिएगा तो छोटा छोटा पार्टिकल जब आपका मुंह में लगेगा तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कॉकटेल कंप्लीटली बन चुका है। कॉकटेल का नाम क्या है याद है आपको? दिल चाहता है। जी हाँ, फ्रेंड्स के साथ मस्ती यारी का वो दिन जो हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। फाइनली गार्निश जो है उसमें मैं यूज करूंगा एक पाइनएप्पल, कटा हुआ पाइनएप्पल, जो मैं यहाँ पर ऐसे डाल दूंगा। और एक स्टार एनिस मैं ऊपर से दे दूंगा, मतलब एक स्टार एनिस ये मैं ऊपर से तो दे दूंगा इसे। तो कॉकटेल कंप्लीटली तैयार है और इस कॉकटेल का नाम है दिल चाहता है। अब मैं टेस्ट करूंगा अपना बना हुआ कॉकटेल को। तो जय हो टू ऑल ऑफ यू। Delicious, really delicious, बहुत ही fantastic एक cocktail है। Friends को अगर आप miss कर रहे हैं अभी घर में बैठ के, या कभी भी मौका मिलता है सब friend इकट्ठा एक जगह बैठ के कोई गप्पे शप्पे मार रहा है या drinks चल रहा है, तो उस time पे ये cocktail को बनाइए जिसका नाम मैंने रखा है दिल चाहता है, एक मशहूर movie 2001 में जो release हुआ था। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल, नए मॉकटेल, नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड डोंट डू चेस, डू जय हो।